आज हम बात करेंगे एक शैतान के बारे में, जिस शैतान के कारण एक व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलता है और फिर उस व्यक्ति के नाम पर हमारे देश के एक नेशनल पार्क का नाम पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अब कहिएगा कि इसमें ऐसी क्या, कौन सी शैतान के नाम पर? शैतान तो गलत तरीके का काम करने वालों को पड़ता है, शैतान नाम कहते हैं उसको। तो इसके कारण कोई अच्छा काम या कोई किसी जगह का नाम कैसे पड़ सकता है? तो देखिए, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। साल था 1907 का, ठीक है, 1907 का समय था और जगह था पश्चिमी नेपाल। क्या था? पश्चिमी नेपाल। यहाँ पर एक बाघिन रहती थी। क्या रहती थी? बाघिन, ठीक है। और वो बाघिन जो है, ऐसा आतंक वहां पर शुरू किया पश्चिमी नेपाल में कि लोग उसके डर से घर से निकलना तक बंद कर दिए। बहुत ज्यादा आतंक फैल गया, बहुत नामी हो गया, जैसे कि कोई खूंखार डाकू वगैरह होता है ना, उससे भी ज्यादा मतलब कि पहुंचा हुआ ये शैतान बन गई बागी, ठीक है। और ये करती क्या थी? आदमखोर का काम करती थी, यानी कि आदमियों को मार के खाना शुरू करती थी, कर दी थी ऐसा। बहुत सारे आदमियों को मार के खा गई, खास करके इसके निशाने पर महिलाएं रहती थी जो खेतों में काम करने जाया करती थी, ठीक है। जंगल में झरना चुनने हो सूखी लकड़ियां या फिर घास काटना हो, इसके लिए जो भी ग्रामीण महिलाएं खेतों में जाती थी, जंगल में जाती थी, उसको ये मौका पा करके मार के खाया करती थी। तो ये धीरे धीरे बात तो बहुत ज्यादा फैली और उस समय नेपाल में राजशासन चलता था, राजशाही वहां पर व्यवस्था था। तो जब ये बात राजा के पास पहुंचा, ये जंगल के आतंक के, गांव के आतंक के बारे में, तो फिर राजा कुछ सिपाही को भेजता है, शिकारी को भेजता है कि इस बाघिन को मार दिया जाए, ठीक है, राजा का आदेश था। तो शिकारी लोग आते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। ये शिकारी जो आए थे कुछ तो लौटे भी नहीं, यानी कि शिकारी खुद ही शिकार बन गए, ठीक है, ऐसी बाघिन थी। और कुछ लौट के चले गए, कोई कोई फल कोई हल नहीं निकला इसका। तब क्या होता है, जब राजा को ये बात पता चलता है कि शिकारी लौट आए हैं या फिर शिकारी से काम नहीं हो पाया, तब फिर वो पूरा सेना उतार दिया, ठीक है, किसके पीछे? इस बाघिन के पीछे, ठीक है। और बाघिन को कहा जाने लगा तब क्या, इसको शैतान कहा जाने लगा, ठीक है, शैतान, आदमखोर बाघिन, आदमखोर बाघिन, ये सब इसको नाम मिल गया तब तक, ठीक है, प्रचलित बाघिन हो गई। जब सेना उतरा तो सेना से भी कुछ नहीं हुआ, ये आदमखोर बाघिन जो थी ये सीमा पार करके वहां से वो जंगल छोड़ दी, यानी पश्चिमी नेपाल छोड़ दी और वहां से आ गई ये हमारे देश भारत में, ठीक है। और उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, हमारा देश 1907 में, चूंकि 47 में आजाद हुआ तो आजादी से लगभग 40 साल पहले की कहानी है। तो जब भारत में आया तो फिर यहाँ भी धीरे 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 करके यहाँ पर भी आतंक मचाना शुरू, वही था टारगेट, वही था महिलाओं को, यानी क्या जो जवान महिलाएं हुआ करती थी ना, तो उस पर ये ज्यादा अटैक करती थी, इसलिए कि गांव में अक्सर जैसे भेड़ बकरियां चराने या फिर घास काटने तो महिलाएं जाया करती थी, तो उसी को ये, यानी कि कमजोर टारगेट, इंसान पर कभी, यानी कि पुरुष पर कभी अटैक नहीं किए, यानी कि आसान टारगेट जो रहता था उसको ये ना शिकार बनाती थी। तो जब अंग्रेजों को पता चला इसके बारे में कि हमारे सीमा के अंदर ये कोई बाघिन है या बाघ है कि जो आतंक मचा रहा है, आदमखोर का काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर अंग्रेज कुछ क्या कहते हैं, शिकारी को भेजता है या पता लगाने के लिए कि जाओ क्या बात है।
तो फिर इसका भी कोई उपाय नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता है, वो जारी रहता है, उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाया, कोई पकड़ नहीं पाया। तब कई ऐसा दल भेजा जाता है कि जो उसको पकड़े या मारे, बहुत सारा दल बना के भेजा जाता है, उसका भी कोई हल नहीं निकलता है। तब अंत में क्या होता है कि एक व्यक्ति का एंट्री होता है, उसका नाम रहता है जिम कॉर्बेट। नाम क्या रहता है? जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट। और इस व्यक्ति का जन्म हुआ था कहाँ? नैनीताल में। नैनीताल आप बता सकते हैं कहाँ है नैनीताल? तो ये हमारे देश में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर इस व्यक्ति का जन्म होता है जिम कॉर्बेट का। और इस समय यानी 1907 के आसपास इनका उम्र 30 के आसपास रहा होगा, 31 साल, ठीक है। तो ये क्या थे? ये एक शिकारी थे, ठीक है, यानी कि सरकारी शिकारी कह सकते हैं आप। तो इनको इस काम में लगाया जाता है, इस बाघिन को निपटाने का काम में इनको लगाया जाता है। तो और तब तक इस पर जो है बाघिन पर इनाम वगैरह लाखों का इनाम रख दिया जाता है कि जो इसको मारेगा उसको इतना इनाम मिलेगा। किसके तरफ से? अंग्रेजों के तरफ से। तो जब इनको ये काम सौंपा जाता है तो ये दो शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं? कि पहले कि इस बाघिन के ऊपर से जो इनाम रखा गया है उस इनाम को हटा दिया जाए। यानी क्या, जो मारने वाला, अब जैसे कि घोषणा किया गया था कि इसको मारने वाले को लाखों इनाम दिया जाएगा, अब वो इनाम को खत्म कर दिया जाए, अब जो भी मारेगा उसको इनाम नहीं मिलेगा। ये पहला कंडीशन था, शर्त। दूसरा शर्त ये था कि मेरे अलावे कोई दूसरा शिकारी इसके पीछे ना जाए, सिर्फ और सिर्फ हम ही इसको निपटाएं। अब वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये नहीं चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पीछे पड़े, जिस वजह से वो पहले से ही होशियार रहे। होता है ना कि बहुत ज्यादा लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा होशियार रह गए, इधर उधर भागते रहेंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये इस प्रकार का कंडीशन लगाए, शर्त लगाए। तो फिर ये अंग्रेजों की तरफ से मान लिया गया, इनाम भी हटा दिया गया और ये भी घोषणा कर दिया गया कि इनके अलावा कोई दूसरा शिकारी इसके पीछे नहीं जाएगा। तब ये अपने काम पर लग जाते हैं। तो फिर ये जब जाते हैं जगह पे चंपावत, नाम रहता है चंपावत, ठीक है, तो वहां जाते हैं। तो हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले जो एक हाल फिलहाल में शिकार किया गया था, उस जगह जाते हैं और वहां पे रात में ये जो है जंगल में एक मचान बना के, ऊंचा मचान बना के उस पे रात में रहते हैं, देखते हैं कि कहीं आएगा तो फिर हम घात लगा के उस पर बंदूक से उसको मारेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रात भर वो वहां रहे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कभी नजर नहीं, अगर नजर आया भी तो फिर बहुत दूर। तब ये क्या किए, जब नजर नहीं आने लगा तो 3 दिन रहे, घात नहीं मिला, तो फिर ये सोचे कि महिलाओं पर अटैक करता है इसलिए शायद मेरे पास नहीं आ रहा हो, या दूर से देख करके, चूंकि बाघ का या बाघिन का, जंगली जानवर का नजर बहुत तेज होता है, या फिर बहुत दूर से ही वो पहचान लेता है। तो ये क्या किए, महिलाओं का रूप बनाए, यानी कि साड़ी पहने, ठीक है, उसको बाघिन को मारने के लिए साड़ी पहन के रहने लगे। फिर भी कोई काम नहीं आया, कुछ डमी भी बनाया गया, महिलाओं का डमी बना के जंगल में रख दिया जाता था, साड़ी वगैरह पहना के, कि इसको देख करके वो नजदीक आएगा और उसी आसपास में ये छुप के रहते थे कि जैसे नजदीक आएगा तो हम मार देंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं पाया, हुआ नहीं ऐसा। तब क्या होता है कि लोगों का विश्वास जो इन पर बना हुआ था, 4-5 दिन गुजर गया, सप्ताह गुजर गया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, तो फिर लोग अधीर होने लगे। तब ये क्या किए, दूसरे 4-5 को जंगली जानवर को मारे कि लोगों को विश्वास हो कि हाँ ये कुछ काम का बंदा है, ठीक है। तभी इनको एक और शिकार के बारे में पता चला कि वही बाघिन एक और लड़की का शिकार किया है और वो लगभग 10-15 किलोमीटर दूर। तो फिर ये तुरंत वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं, तो इनको, इनका जो टीम था, इनको मिल गया वो बाघिन जो थी, जिसको मारी थी वो, उसको कुछ जगह पे दूर पे जाके अपना खा रही थी। तो ये जब जाते हैं तो देखते हैं उसको, तो फिर वो जो है
उसको लेके भागने की कोशिश की, उस लाश जो था लाश को लेके भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाए, तो फिर वो खुद ही भाग गई, छुप गई कहीं जाए, और ये बहुत सारा खोजे उसका खोज किए लेकिन नहीं मिली। तब ये कुछ दिमाग लगाए, टेक्निकल नॉलेज का यूज किए, तो वहाँ आसपास रह चुके जो भी शिकार करता है, बाघिन हो बाघ हो जो भी हो, तो वो शिकार को छोड़ता नहीं है या छोड़ती नहीं है, क्योंकि ये समझ गया कि अभी ये छोड़ के भाग गई है, फिर ये लौट के आएगी। तो फिर ये क्या कि अपना टीम बनाए, बहुत सारे लोगों को भी जमा किए, और उन लोगों के पास जैसे भजन कीर्तन होता है ना, पूरा ड्रम वगैरह लेके सब अपना टीम खड़ा किए, और प्लान ये था कि वो एक तरफ से जब बाघिन आएगी अपने शिकार को लेने के लिए फिर से, तो फिर ये लोग एक तरफ से हल्ला मचाएंगे, यानी कि ड्रम वगैरह बजाएंगे तो शोर होगा, और शोर सुन के वो भाग जाती है, जंगली जानवर के नियम है। तो ये ताक में थे कि उधर से शोर होगा तो ये बाघिन इधर भागेगी, और इधर ये रहेंगे छुप के, और ये तब उसको अपना टारगेट बनाएंगे। तो प्लान काम कर गया। जब वो फिर से सुबह में, रात भर नहीं आई, सुबह में, कलों की सुबह आई, और ये लोग जो भीड़ जुटे हुए थे, तो वो हल्ला मचाए, तो बस ये दूसरी तरफ भागी, और उस तरफ फिर ये पहले से मौजूद कौन, जिम कॉर्बेट, ठीक है, ये जिम कॉर्बेट, और ये तब उसको निशाने पर लिए और पहली गोली मारे, तो वो उसको लगभग छाती में जाके लगता है, ठीक है। फिर एक और गोली मारे तो वो उसके पैर में लगता है, तब जाके वो गिर जाती है, और ये तब नजदीक जाते हैं, तब एक गोली और मारते हैं उसको, तब वो जो है खत्म हो जाती है, मर जाती है, ठीक। इस प्रकार से इस क्या कहते हैं आदमखोर जो बाघिन थी उसका काम तमाम होता है। लेकिन जब ये देखते हैं कि जब मरी, तब देखते हैं कि उसका जो दांत होता है दाहिनी तरफ का दांत, वो टूटा हुआ था। तब इनको समझ में आता है कि किसी शिकारी के गोली से इसका दांत या किसी प्रकार के चोट से दांत टूट गया था, इस वजह से वो शिकार नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो आसान शिकार के पीछे जाती थी, मानव या आदमी का शिकार करती थी, महिलाओं का। तो उसके बाद से इनको जो है वैसे तो प्रसन्नता मिला था कि मैंने आदमखोर बाघिन को मार डाला, लेकिन वास्तविकता जाने के बाद इनको दुख भी हुआ। उसके बाद ये बाघों को बचाने के पीछे लग गए, बहुत सारा ऐसा काम करने लगे कि बाघ को संरक्षित किया जाए, और इसी वजह से इस जो नेशनल पार्क है बाघ के लिए, उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है।